हेलो फ्रेंड्स, मूवी के स्टार्ट में हम कुछ डाकू को देखते हैं जिनके पीछे सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए लगे हुए थे। वो लोग उन सोल्जर से बचने के लिए भाग रहे थे और तभी वो एक जगह छुप जाते हैं जिससे वो उन सोल्जर से बच जाते हैं। इसके बाद हम उन्हें एक केव में देखते हैं और वो सब अपनी चोरी किया हुआ सामान चेक करते हैं और उन्हें उस सामान में एक मैग्नेट भी मिलता है जिसे वो बेकार समझ कर फेंक देते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नेम विलियम था वो उसे उठा लेता है। दरअसल वो सब ब्लैक पाउडर की तलाश में थे। वो एक ऐसा पाउडर है जो हवा में आग लगा देता है। तभी वहाँ कोई चीज आती है और विलियम के तीन साथियों को मार देती है और वो चीज बहुत तेज थी जिस वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। तभी विलियम और उसके दोस्त घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो चीज विलियम पर अटैक करती, विलियम को लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो उस पर अटैक कर देता है और इस चीज का हाथ काट देता है और वो चीज खाई में गिर जाती है। विलियम उसके हाथ को अपने बैग में रख लेता है ताकि वो ये पता कर सके ये किस चीज का हाथ था। अगली सुबह वो ब्लैक पाउडर की तलाश में केव से बाहर निकलते हैं। तभी उनके पीछे वही सोल्जर्स लग जाते हैं जिनसे बचने के लिए वो तेजी से भागते हैं और वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तक पहुंच जाते हैं। यहाँ इनकी आर्मी इन्हें घेर लेती है। इतनी सारी आर्मी देखकर विलियम और उसका दोस्त सरेंडर कर देते हैं। वो लोग विलियम को अपने जनरल के पास ले जाते हैं। विलियम का बैग चेक करने पर उन्हें उस चीज का हाथ मिलता है जो विलियम ने केव में काटा था। ये देखकर जनरल काफी हैरान था और विलियम से पूछता है कि यह हाथ तुम्हें कहां से मिला। तो विलियम उसे ये इंसिडेंट बताता है कि कैसे ये हाथ उसके पास आया। जनरल इस बात पर यकीन नहीं करता कि ये लोग इस चीज को मार सकते हैं। तभी हमें कमांडर ली को दिखाया जाता है। वो इन्हें कहती है कि पहले तो तुम लोग यहां तक आ गए और फिर तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला कि तुमने इस चीज को मारा है। वो उन्हें मारने ही वाली थी। तभी उनका एक आदमी जिसका नेम वैंग था वो कहता है कि हो सकता है कि ये सब सच बोल रहे हों क्योंकि इनकी तलवार पर अभी तक ताजा खून लगा हुआ है। तभी एक सोल्जर वहां आता है और कहता है कि उन क्रिएचर्स ने हम पर हमला कर दिया है। जनरल अपनी आर्मी से हमले के लिए तैयार होने का कहता है। दूसरी तरफ विलियम और उसके साथी को कैद करने के लिए ले जाया जाता है। विलियम वैंग से पूछता है कि मैंने जिसको मारा वो आखिर था कौन, तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे। दरवाजे की चाबी गुम होने की वजह से वो लोग इन्हें भी वाल पर ले जाते हैं। इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद वो सब बहुत घबराए हुए थे। तभी हम क्रिएचर्स की आर्मी को आते हुए देखते हैं जिनका नेम ताओ ताई था। वो इन पर अटैक कर देते हैं। इनके साथ इनकी रानी भी थी जिसके चारों तरफ उसके गार्ड थे और वो उन सब क्रिएचर्स को ऑर्डर दे रही थी। चाइनीज आर्मी उन पर डिफरेंट वेपन से अटैक कर रही थी। कुछ तीर चला रहे थे, कुछ नेजे मार रहे थे और कुछ आग के गोले फेंक रहे थे। तभी क्रिएचर्स की आर्मी उन पर भारी पड़ने लग जाती है और हम देखते हैं कि उन क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर वॉल के ऊपर आ जाता है। तभी विलियम वहां पर खड़े एक आदमी से मदद मांगता है जो कि उनकी रस्सी को खोल देता है और तभी विलियम और उसका दोस्त वहां पर मौजूद उस मॉन्स्टर को मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि ताओ ताई की क्वीन अपने साथियों को टेलीपैथी के जरिए वापस बुला लेती है और हम यहां देखते हैं कि ताओ ताई की आर्मी अपने मरे हुए साथी को भी अपने साथ ले जा रही थी। ये देखकर जनरल विलियम और उसके दोस्त बहुत खुश थे। अगले दिन हम विलियम और उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अच्छे कपड़े पहनकर जनरल के सामने आते हैं और जनरल भी उनका वेलकम करता है। जिसके बाद जनरल उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम उन क्रिएचर्स को आसानी से मार देते हो। जिसके बाद विलियम अपना टैलेंट दिखाता है जिसे देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। दरअसल वो एक बहुत ही अच्छा निशानेबाज था। इसके बाद हमें कमांडर और विलियम को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। यहां ली उसे बताती है कि मुझे अपने मुल्क के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है और वो विलियम से पूछती है कि क्या तुम कभी लड़े हो। जिस पर वो बताता है कि मैं सिर्फ पैसों के
लिए लड़ा हूँ और मैंने बहुत सी जंगें लड़ी हैं। तभी रात में हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि उन दोनों से कहता है कि मैं भी ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ तक आया हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं यहाँ टीचर हूँ। वो उन्हें एक प्लान बताता है कि जब वो लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तो हम उसी वक्त वो पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। विलियम और उसका दोस्त इस आइडिया पर एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उसका ये आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर हमें वैंग, विलियम और उसका साथी दिखाया जाता है। वैंग विलियम से पूछता है कि ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया, जो कि एक मैग्नेट की तरह का था और वो ये समझ रहा था कि इसके जरिए उसकी आर्मी जीत सकती है। विलियम उसे पूछता है कि ये मॉन्स्टर्स आए कहां से, जिस पर वैंग उन्हें बताता है कि काफी साल पहले एक मेट्रोइड एक पत्थर पहाड़ पर आकर गिर गया, जिसके बाद वो पत्थर ग्रीन हो गया और उसमें से ये मॉन्स्टर्स निकले। हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर बाहर आते हैं और दुनिया में फसाद फैलाते हैं और उनकी एक रानी भी है जो कि उनसे सारे काम करवाती है। फिर रात में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उनकी आर्मी के एक सोल्जर को मार देता है। वहां वो उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी जनरल कहता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है और तभी वो मॉन्स्टर जनरल पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जनरल बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि ये उसका आखिरी वक्त है, इसलिए वो कमांडर ली को नया जनरल बना देता है और इसी के साथ जनरल की मौत हो जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उनके पास राजा का कोई पैगाम लेकर आया था। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि कब कब मॉन्स्टर से लड़ाई हुई है। उसमें ये भी लिखा था कि एक जगह पर एक ऐसा गेट है जहां सब मॉन्स्टर चुप हो जाते हैं। वो सब सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर ने सब पर अटैक किया लेकिन विलियम ही था जो कि उसे मार पाया। तो विलियम कहता है कि हमें एक मॉन्स्टर को पकड़ना होगा ताकि हम उस पर ये एक्सपेरिमेंट कर सके। जिसके बाद विलियम का दोस्त उसे कहता है कि तुम किन कामों में पड़ गए हो, हम यहाँ ब्लैक पाउडर चोरी करने आए हैं, हमें यहाँ अपना काम करके भाग जाना चाहिए। लेकिन विलियम यहाँ से भागना नहीं चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सारी आर्मी मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन काफी फोग होने की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि ताओ ताई की आर्मी अचानक उन पर अटैक कर देती है और दोनों आर्मी के दरमियान फिर से काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। चाइनीज आर्मी उन्हें नेजे मार कर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके साथी वो नेजे निकाल देते हैं। विलियम एक मॉन्स्टर को देखता है जिसके पास कोई भी दूसरा मॉन्स्टर नहीं था। तभी विलियम उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूसरे मॉन्स्टर्स भी विलियम पर अटैक कर देते हैं। विलियम को बचाने के लिए आखिर ली को ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जिससे विलियम की जान बच जाती है और वो मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब वो लोग देखते हैं कि उस पत्थर को करीब ले जाने पर वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो गया है और किसी पर अटैक नहीं कर रहा, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो आदमी जो राजा का पैगाम इन तक लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए ये मॉन्स्टर और वो पत्थर अपने साथ ले जाता है। राजा ये देखकर बहुत खुश था कि अब हम मॉन्स्टर को इस मैग्नेट की मदद से कंट्रोल कर सकेंगे। जब राजा के आदमी ये देखते हैं कि क्या मॉन्स्टर को इस मैग्नेट से दूर रखने पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, तो तभी मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो रानी को सिग्नल भेज देता है, जिससे रानी रास्ता बदल कर महल की तरफ अपने साथियों के साथ चल पड़ती है। एक दिन ली और वैंग दीवार के नीचे देखते हैं कि वहां उन मॉन्स्टर की फीमेल ने एक सुरंग बनाई थी ताकि वो वाल के अंदर आ सके, और दूसरी तरफ वो आदमी और विलियम के दोस्त वो ब्लैक पाउडर चुरा कर भागने की कोशिश करते हैं। तभी विलियम भी वहां आ जाता है, लेकिन वो आदमी विलियम पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। फिर वो आदमी और विलियम का दोस्त जा रहे होते हैं कि वो आदमी विलियम के दोस्त को कहता है थोड़ा सा आगे जाकर रास्ता तो देखो। जब वो आगे जाता है तो वो आदमी ब्लैक पाउडर के साथ विलियम के साथी को अकेला छोड़कर भाग जाता है। जब कमांडर ली को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो समझती है कि जरूर विलियम ने उनकी मदद की होगी, क्योंकि ब्लैक पाउडर के बारे में सिर्फ विलियम को पता था। तभी एक सोल्जर कमांडर ली को बताता है कि नहीं, मैंने देखा था कि विलियम तो उन्हें रोक रहा था, जिस पर ली उसे मारती तो नहीं लेकिन उसे जेल में बंद कर देती है। इसके बाद हम उसी गद्दार आदमी को देखते हैं
हैं, जिसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उसका सारा सामान आग के पास रख देते हैं जिसमें ब्लैक पाउडर था, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस आदमी समेत सारे लोग मर जाते हैं। अब कमांडर ली और सब साथी उस राजा के महल की तरफ जाते हैं जहाँ पर उन मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था, और यहाँ विलियम भी उन्हें मारने का तरीका सोच रहा था। और उसे यहाँ पता चलता है कि अगर क्वीन को मार दिया जाए तो उन मॉन्स्टर्स को भी मारा जा सकता है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत से मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और यहाँ उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद विलियम एक प्लान बनाता है कि जो मॉन्स्टर हमारे पास है हम उसे खाने देंगे और उसके ऊपर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे, जिसके बाद जब वो मॉन्स्टर रानी को खाना देने के लिए जाएगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे, जिसके बाद वो रानी मर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम वहां पहुंचकर रानी पर तीर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रानी के गार्ड्स उसे कवर कर लेते हैं। लेकिन जब विलियम दूसरी बार ट्राई करता है तो रानी उसे देख लेती है और सब मॉन्स्टर्स को विलियम को मारने के लिए कहती है। इसके बाद सारे मॉन्स्टर्स विलियम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब विलियम के पास सिर्फ एक ही चांस था और वो डाइन की मदर से दूर से कूद जाता है तो उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाता है और साथ ही वो उसमें मैग्नेट भी फेंक देता है, जिसे वो मॉन्स्टर रोक नहीं पाता और वहाँ एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वो रानी मर जाती है और सारे मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर और विलियम बहुत खुश थे और अब विलियम को पता चलता है कि उसके दोस्त को कमांडर लिन ने पकड़ लिया था। वो अपने दोस्त को भी आजाद करवाता है और वहां से सबको अलविदा करके चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।